जय श्री राधे राधे कृष्ण। कृष्ण आप सभी सभी का का हमारे हमारे YouTube YouTube चैनल चैनल पे पे बहुत 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 स्वागत स्वागत है। है। आइए आइए सुनते सुनते हैं हैं गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि की की कथा। कथा। नवरात्रि नवरात्रि का का व्रत व्रत जो जो कि कि वर्ष वर्ष में में 4 बार चार बार मनाया मनाया जाता जाता है, है, दो दो प्राकट्य प्राकट्य नवरात्रि नवरात्रि के के रूप रूप में में और और दो दो गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि के के रूप रूप में। में। प्राकट्य प्राकट्य नवरात्रि नवरात्रि जो जो कि कि चैत्र चैत्र महीने महीने और और आश्विन आश्विन महीने महीने के के शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष प्रतिपदा प्रतिपदा तिथि तिथि से से लेकर लेकर के के नौमी नौमी तिथि तिथि तक, तक, जो जो कि कि 9 दिनों9 दिनों तक तक माता माता दुर्गा दुर्गा के के 9 स्वरूपों नौ स्वरूपों का का पूजन पूजन किया किया जाता जाता है, है, वहीं वहीं पे पे गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि जो जो कि कि आषाढ़ आषाढ़ के के महीने महीने में में और और माघ माघ के के महीने महीने में में शुक्ल शुक्ल पक्ष पक्ष प्रतिपदा प्रतिपदा तिथि तिथि से से लेकर लेकर के के नौमी नौमी तिथि तिथि तक तक गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि में में माता माता 10 महाविद्या10 महाविद्या का का पूजन पूजन किया किया जाता जाता है। है। यह यह व्रत व्रत जो जो कि कि सभी सभी प्रकार प्रकार के के दुख दुख और और कष्टों कष्टों को को दूर दूर करने करने वाली वाली है, है, सुख सुख और और समृद्धि समृद्धि को को प्रदान प्रदान करने करने वाली वाली है। है। गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि के के दौरान दौरान जो जो कि कि 10 महाविद्याओं 10 महाविद्याओं का का पूरे पूरे विधि-विधान विधि-विधान के के साथ साथ पूजन पूजन करना करना चाहिए, चाहिए, कथा कथा श्रवण श्रवण करनी करनी चाहिए। चाहिए। इस इस दौरान दौरान श्री श्री दुर्गा दुर्गा सप्तशती सप्तशती का का पाठ पाठ या या श्रवण श्रवण करना करना चाहिए, चाहिए, दुर्गा दुर्गा चालीसा, चालीसा, दुर्गा दुर्गा कवच कवच आदि आदि का का पाठ पाठ या या श्रवण श्रवण करना करना चाहिए। चाहिए। इससे इससे अनंत अनंत गुना गुना पुण्य पुण्य फलों फलों की की प्राप्ति प्राप्ति होती होती है। है। तो तो आइए आइए सुनते सुनते हैं हैं गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि से से जुड़ी जुड़ी हुई हुई पौराणिक पौराणिक कथा। कथा। कथा कथा के के अनुसार अनुसार एक एक समय समय ऋषि ऋषि श्रृंगी श्रृंगी भक्त भक्त जनों जनों को को दर्शन दर्शन दे दे रहे रहे थे। थे। अचानक अचानक भीड़ भीड़ से से एक एक स्त्री स्त्री निकल निकल कर कर आई आई और और करबद्ध करबद्ध होकर होकर ऋषि ऋषि श्रृंगी श्रृंगी से से बोली बोली कि कि हे हे भगवान, भगवान, मेरे मेरे पति पति दुर्व्यसनों दुर्व्यसनों से से सदा सदा घिरे घिरे रहते रहते हैं, हैं, जिस जिस कारण कारण मैं मैं कोई कोई पूजा पूजा पाठ पाठ नहीं नहीं कर कर पाती। पाती। धर्म धर्म और और भक्ति भक्ति से से जुड़े जुड़े पवित्र पवित्र कार्यों कार्यों का का संपादन संपादन भी भी नहीं नहीं कर कर पाती। पाती। यहाँ यहाँ तक तक कि कि ऋषियों ऋषियों को को उनके उनके हिस्से हिस्से का का अन्न अन्न भी भी अर्पित अर्पित नहीं नहीं कर कर पाती। पाती। मेरा मेरा पति पति मांसाहारी मांसाहारी है, है, जुआरी जुआरी है, है, लेकिन लेकिन मैं मैं माँ माँ दुर्गा दुर्गा की की सेवा सेवा करना करना चाहती चाहती हूँ। हूँ। उनकी उनकी भक्ति भक्ति साधना साधना से से अपने अपने और और अपने अपने परिवार परिवार के के जीवन जीवन को को सफल सफल बनाना बनाना चाहती चाहती हूँ। हूँ। ऋषि ऋषि श्रृंगी श्रृंगी उस उस महिला महिला के के भक्ति भक्ति भाव भाव से से अति अति प्रभावित प्रभावित हुए। हुए। ऋषि ऋषि ने ने उस उस स्त्री स्त्री को को आदरपूर्वक आदरपूर्वक उपाय उपाय बताते बताते हुए हुए कहा कहा कि कि वास्तविक वास्तविक और और शारदीय शारदीय नवरात्रों नवरात्रों से से तो तो आम आम जनता जनता जो जो कि कि परिचित परिचित है, है, लेकिन लेकिन इसके इसके अतिरिक्त अतिरिक्त दो दो नवरात्र नवरात्र और और भी भी होते होते हैं हैं जिन्हें जिन्हें गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि कहा कहा जाता जाता है। है। उन्होंने उन्होंने कहा कहा कि कि प्रकट प्रकट नवरात्रों नवरात्रों में में जो जो कि कि 9 देवियों9 देवियों की की उपासना उपासना होती होती है है और और गुप्त गुप्त नवरात्रों नवरात्रों में में 10 महाविद्याओं10 महाविद्याओं की की साधना साधना की की जाती जाती है। है। इस इस नवरात्रों नवरात्रों की की प्रमुख प्रमुख देवी देवी स्वरूप स्वरूप का का नाम नाम सर्वैश्वर्य सर्वैश्वर्य कारिणी कारिणी देवी देवी है। है। यदि यदि इन इन गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि में में कोई कोई भी भी भक्त भक्त माता माता दुर्गा दुर्गा की की पूजा पूजा साधना साधना करता करता है है तो तो माँ माँ उसके उसके जीवन जीवन को को सफल सफल बना बना देती देती है। है। ऋषि ऋषि श्रृंगी श्रृंगी ने ने आगे आगे कहा कहा कि कि लोभी, लोभी, कामी, कामी, व्यसनी, व्यसनी, मांसाहारी मांसाहारी अथवा अथवा पूजा पूजा पाठ पाठ न न कर कर सकने सकने वाला वाला भी भी यदि यदि गुप्त गुप्त नवरात्रों नवरात्रों में में माता माता की की पूजा पूजा करता करता है है तो तो उसे उसे जीवन जीवन में में कुछ कुछ और और करने करने की की आवश्यकता आवश्यकता ही ही नहीं नहीं पड़ती। पड़ती। उस उस स्त्री स्त्री ने ने ऋषि ऋषि श्रृंगी श्रृंगी के के वचनों वचनों पर पर पूर्ण पूर्ण श्रद्धा श्रद्धा रखते रखते हुए हुए गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि की की पूजा पूजा की की और और फिर फिर माँ माँ उस उस पर पर प्रसन्न प्रसन्न हुई हुई और और उस उस स्त्री स्त्री के के जीवन जीवन में में परिवर्तन परिवर्तन आने आने लगा। लगा। उसके उसके घर घर में में सुख सुख शांति शांति आ आ गई। गई। पति पति जो जो कि कि गलत गलत रास्ते रास्ते पर पर था था वह वह सही सही मार्ग मार्ग पर पर आ आ गया। गया। गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि की की माता माता की की आराधना आराधना करने करने से से उनका उनका जीवन जीवन पुनः पुनः फिर फिर से से खिल खिल उठा। उठा। इस इस प्रकार प्रकार जो जो भी भी भक्त भक्त सच्ची सच्ची श्रद्धा श्रद्धा के के साथ साथ नियम नियम और और निष्ठा निष्ठा के के साथ साथ गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि का का व्रत व्रत करते करते हैं, हैं, इस इस दौरान दौरान माता माता का का पूजन पूजन करते करते हैं, हैं, कथा कथा श्रवण श्रवण करते करते हैं, हैं, व्रत व्रत के के दौरान दौरान नियमों नियमों का का पालन पालन करते करते हैं हैं तो तो उनके उनके सभी सभी प्रकार प्रकार के के दुख दुख और और कष्ट कष्ट दूर दूर हो हो जाते जाते हैं हैं तथा तथा मनोवांछित मनोवांछित फलों फलों की की प्राप्ति प्राप्ति होती होती है। है। अगर अगर आप आप सब सब विशेष विशेष प्रकार प्रकार से से गुप्त गुप्त नवरात्रि नवरात्रि व्रत व्रत के के शुभ शुभ मुहूर्त मुहूर्त घटस्थापन घटस्थापन के के बारे बारे में में जानना जानना चाहते चाहते हो हो तो तो उसका उसका वीडियो वीडियो हमारे हमारे चैनल चैनल पे पे अपलोड अपलोड है है या या हमारे हमारे वीडियो वीडियो के के इन इन स्क्रीन स्क्रीन में में भी भी वीडियो वीडियो का का लिंक लिंक दिया दिया गया गया है, है, आप आप उसके उसके माध्यम माध्यम से से जानकारियां जानकारियां को को प्राप्त प्राप्त कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो तो आशा आशा करता करता हूँ हूँ कि यह कि यह जानकारी जानकारी आपको आपको अच्छा अच्छा लगा लगा हो। हो। ऐसे ऐसे ही ही ज्ञानवर्धक ज्ञानवर्धक जानकारियां जानकारियां प्राप्त प्राप्त करने करने के के लिए लिए हमारे हमारे इस इस